मेहता का उल्टा चश्मा। आप है कनाडा के मशहूर बिलियनियर सरदार जसपाल सिंह बग्गा। तुम जल्दी से हमें भोगीलाल जी से मिलवाओ। पर आपको सर से मिलना क्यों है? दरअसल हमारे सर के रिश्ते में एक शादी है, तो उसी सिलसिले में भोगीलाल जी का होटल बुक करना है। पर उसके लिए आपको उनसे मिलने की जरूरत नहीं है, आप मैनेजर से बात कर लीजिए। मैनेजर? नहीं, देखिए हम लोग मैनेजर से नहीं मिल सकते, हमें भोगीलाल जी से ही मिलना है, उन्हीं से काम है। क्या काम है सर? उदी चटनी बनानी है। चटनी? नहीं, शादी में खाना होगा ना, तो अलग अलग किस्म की चटनियाँ होंगी, तो उसके बारे में बोल रहे थे। इतने छोटे काम के लिए ना सर नहीं मिल सकते। छोटा काम? छोटा काम? गोकुल राम, ये तुम हमें खा ले? मैं बात करता हूँ, समय बात करता हूँ। देखिए मैडम, छोटे काम के लिए बग्गा साहब खुद ऐसे आते भी नहीं है। आप जानती नहीं है कि ये कौन है, ये अगर चाहे ना तो 10 होटल एक साथ खरीद सकते है। गोकुल राम, बुक कराने का आइडिया कैंसिल। इनकी होटल और ये ऑफिस अभी के अभी खरीद दो। मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। हाँ, बग्गा जी, हम लोग खरीद ही लेते हैं, पर सबसे पहले स्टाफ को चेंज करते हैं। और नहीं तो क्या, स्टाफ को बात करने की तमीज नहीं है। सर, ये आप क्या बोल रहे हैं? तो आप क्या बोल रही है कब से? आप जानते नहीं है बग्गा साहब को, ये जहाँ भी जाते हैं ना वहाँ के लोगों की किस्मत खुल जाती है। मैनेजर से बात नहीं करते, डायरेक्ट ओनर टू ओनर बात होती है। गोकुल राम, तुम्हें ये पता करके हमें यहाँ लाना चाहिए था। अब ये 10 लाख रुपए कैश का मैं क्या करूँ जो मैं एडवांस देने के लिए घूम रहा हूँ? मुझे बुकिंग आज कंफर्म करनी है। 10 लाख रुपए कैश एडवांस? सर बिल्कुल लेके घूम रहे हैं हम लोग, दिखा कर। ये देखिए। और चाहिए तो बोलिए, मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। अरे आप सोच क्या रही है, जल्दी बोलिए। देखिए हमारे सर का समय बहुत कीमती है, एक एक सेकंड कीमती है। आपको मैं उनसे मिलवा देती हूँ, आपका बिजनेस कार्ड दे दीजिए। बिजनेस कार्ड? बिजनेस कार्ड? अरे बिजनेस कार्ड मांग रही है आप इनके पास? ये खुद चलता फिरता एक बिजनेस है। गोकुल राम, ये तुम हमें कहाँ ले आए? ओए, इंसल्ट पे इंसल्ट हो रही है। पहले मिलने नहीं दे रहे थे और अब बिजनेस कार्ड मांग रहे हैं। अरे बुकिंग छोड़ो, सब कैंसिल करो। इनके नसीब में 10 लाख रुपए कैश नहीं है तो हम क्या करें? चलो। अरे सर रुकिए सर, आप तीनों ये रुकना। सर शांति रख बिड़ू, वो बुलाए कि? ओए मुंडियो, मुंह क्या देख रहे हो? चलो। सर एक मिनट रुकिए। सर आप आइए ना, बात करते हैं। हाँ आप आइए सर। कितने कमरे बुक करवाने? कमरे? ओए कमरे नहीं, हमें पूरा होटल बुक कराना है, वो भी 7 दिन के लिए। पूरा होटल, वो भी 7 दिन के लिए? एक आदमी के लिए 2 कमरे। एक आदमी के लिए 2 कमरे? हाँ भाई, एक ही होटल में 7 दिन रहना है। एक कमरे में आदमी रह कर अगर मन उब गया तो कमरा चेंज कर सकता है। ओ सर मजाक कर रहे हैं, एक्चुअली क्या है, कोरोना काल चल रहा है ना, तो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सर पूरी होटल बुक करना चाहते हैं। और हाँ, मेरी एक शर्त है, मुझे कोई डिस्काउंट नहीं चाहिए। मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। ठीक है सर, मैं एक बार सर से बात कर लेती हूँ। हाँ जी। हाँ मुकेश, कोठेरी साहब को झूठ मूठ बोल दो ना कि धंधा बिल्कुल ठप पड़ा है, कमाई है ही नहीं, साहब बहुत टेंशन में है, पेमेंट 2-3 महीने टाल दो। Yes? सर आपसे होटल बुकिंग के लिए कोई मिलना चाहता है? तो जाता, मैंने कहा था ना मुझे किसी से नहीं मिलना है, क्या तो मैं नहीं हूँ। सर पर इन्हें पूरा होटल बुक करना है। पूरा होटल बुक कराना है? ठीक है, उन्हें मैनेजर से मिलवा दो, कुछ डिस्काउंट दे देगा। सर पर इन्हें कोई डिस्काउंट नहीं चाहिए। क्या उन्हें कोई डिस्काउंट नहीं चाहिए? यस सर, और 10 लाख रुपए एडवांस कैश लेकर आए हैं। क्या 10 लाख कैश? यस सर, पैसे मेरे सामने ही है। अच्छा, भगवान सबका भला करे पर शुरुआत मुझसे करे। कौन है वो? सर वो कनाडा के बड़े बिजनेसमैन है। अच्छा, कनाडा के बिजनेसमैन, क्या नाम है उनका? सर उनका नाम, सर आपका नाम? गोकुल राम। अरे आपका नाम पूछ रही है, मिस्टर जसपाल सिंह बग्गा। हाँ सर, मिस्टर जसपाल सिंह बग्गा और साथ में उनके सेक्रेटरी भी है। जसपाल बग्गा? एक मिनट,
उन्हें पूछो उनके बैग में पक्का 10 लाख रुपए है ना? जी सर। सर पूछ रहे हैं कि आपके बैग में पूरे 10 लाख रुपए है ना? वो है जी है। सेक्रेटरी नोट दिखाओ। दिखाए तो थे अभी थोड़ी देर पहले। ये देखिए, ये 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 एक काम करो, उन्हें पैसों के साथ अंदर भेज दो। ओके सर। सर ने आपको मिलने बुलाया, आप जा सकते हैं। इस तरफ ना? जी आइए। रुकिए एक मिनट, आप सिर्फ अकेले जाइए। और ठीक है, हम अकेले ही काफी हैं। अरे नहीं, क्या अकेले काफी है बॉस, पैसों का मामला है, प्लस अभी डॉक्यूमेंट भी साइन करने हैं ना, तो सेक्रेटरी का साथ होना जरूरी है। और सिर्फ मैं ही नहीं, ये 3 बॉडीगार्ड भी इनके साथ जाएंगे। क्या है ये, इनको अकेला नहीं छोड़ते, सोते जागते उठते बैठते इनके साथ ही रहते हैं। बॉस को हम कभी अकेला नहीं छोड़ते, प्रोटोकॉल है। और अभी बात हो गई ना बॉस से, तो प्रॉब्लम क्या है? आप इन्हें रोके मत, इन्हें जाने दीजिए सर। आप जाइए। थैंक यू। भाई भगवान सबका भला करे, पर शुरुआत मुझसे करे। लक्ष्मी जी खुद टीका लगाने आ रही है। 10 लाख रुपए मुकेश, माया है सब। आइए सर, आइए आइए। अरे आइए आइए बग्गा साहब, आइए। आप तो पूरी पलटन लेके आए हैं जी। जी बिल्कुल, रईस होकर रईस बग्गा जी सबको साथ लेके चलने में मानते हैं। बोगीलाल जी, हमने बहुत सर्वे किया, उसमें से आपका होटल हमें बड़ा पसंद आया। हमें पूरा होटल बुक करना है, हम कोई बार्गेनिंग नहीं करेंगे, आप जो रेट देंगे हमें मंजूर है, लेकिन सर्विस एक नंबर चाहिए, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। भाई भगवान सबका भला करे, पर शुरुआत मुझसे करे। आइए आइए, बैठिए बैठिए। आइए सर, आइए बैठिए। देखिए बग्गा साहब, आपके पास अगर पैसे हैं तो मेरे पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है। भोगीलाल जी, फिलहाल हम आपको देने के लिए आए हैं। भोगीलाल जी। हाँ जी। इत्थे तोड़े कैबिन विच कोई कैमरा शैमरा तो नहीं है ना? हाँ हाँ। कैमरा? कैमरा क्यों? वो क्या है ना, हम लोग तो कैश में ही डील करते हैं, तो लेन देन का मामला है इसीलिए। अरे आप बेफिक्र रहिए, मैं अपने ही केबिन में कैमरा थोड़ी लगाऊंगा। वधिया है जी, बहुत वधिया है। वैसे यहाँ कोई अनजान आदमी ना खड़ा रहे तो अच्छा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लेन देन का मामला गुप्त रहे। मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। अरे मुकेश भाई, बग्गा साहब की भावनाओं को समझो। सुखी पकड़ा पाए? ओए दरवाजा। हाँ जी बस। ये दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं आप? ताकि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, हमारी बात किसी को पता ना चले। गोकुलराम। हाँ। बाहर से और पैसे मंगा लो, शायद बुकिंग के लिए भोगीलाल जी को और पैसे देने की जरूरत पड़े। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, समझ गया सर, समझ गया। हाँ हाँ मंगवाओ मंगवाओ। हाँ हाँ मंगा रहे। हाँ भीड़ा बोल। हाँ हेलो, जहाज किनारे लग गया है, माल निकालने आ जाओ। अरे वाह, मतलब आप लोग भोगीलाल की केबिन में पहुंच गए? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है बस हम लोग आते हैं अभी। आते हैं। हाँ हाँ जल्दी आओ जल्दी आओ। वाह सेठ जी, हमारा प्लान कामयाब हो गया। चल चल चल। ये जहाज माल किनारा मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ ना। जहाज यानी हम, किनारा यानी ये कैबिन, और माल यानी कैश रोकड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तो काम की बात करें, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? 50 पेटी। मतलब? हमें 50 पेटी चाहिए। पेटी? मैं कुछ समझा नहीं, कैसी पेटी? मैं समझाता हूँ। क्या है भोगीलाल जी, आता जी कशाला ना? ये भोगीलाल, हम लोग यहाँ पे कोई होटल बुक करने नहीं है। तो किस लिए आए हो? ओए तेरी बैंड बजाने आए, तेरे फट्टे चखने आए हैं। हाँ क्या
क्या बोल रहे हो तुम? ओ मैं कोई एनआरआई जस्ट पासिंग बग्गा नहीं हूँ। क्या तो, कौन हो तुम लोग? ओ मैं हूँ रोशन सिंह सोडी और मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। और ये 10 लाख नकली है? जाली, बिल्कुल तेरी तरह। ओ तो मतलब तुम दोनों ढोंगी हो? अबो, अरे ढोंगी हम नहीं, ढोंगी तुम हो। तुम हम तो जेठालाल के दोस्त थे जिसके 50 लाख रुपए तुम दबा के बैठे हो। तुम दोनों जेठालाल के दोस्त हो? जी बिल्कुल। और जेठालाल अभी यहाँ पे आ रहा है और उसे पता है कि तुम अंदर केबिन में ही हो। ये देखिए सेठ जी। क्या? ये है बोगीलाल की नई गाड़ी। बोलो। कहाँ केबिन का है? आगे आगे लेफ्ट में। एक्सक्यूज मी सर, आप कहाँ जा रहे हैं? बोगीलाल जी से मिलने। सर अंदर नहीं है। चल झूठी। एक्सक्यूज मी, खुफिया सूत्रों से हमें पता चला है कि बोगीलाल जी अंदर केबिन में ही बैठे हैं। तुम? हाँ मैं। तुम फिर आ गए? हाँ फिर आ गए। चल चल भाई चल चल। सर आप अंदर नहीं जा सकते। अगर आपने जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश की तो आपके साथ भी वही सलूक किया जाएगा जो इनके साथ किया गया। ओ मैडम, जबान संभाल के बात कीजिए। ये जेठालाल चंपकलाल गडा जी है, गडा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक, हमारे बॉस। हमारे नहीं, सिर्फ तुम्हारे। मेरे बॉस अंदर है। देखा देखा देखा, दिल की बात जुबा पे आ गई ना। आ गई चल चल चल। रमेश सुरेश, सर प्लीज आप जाइए। कोई बात नहीं, भोगीलाल जी अभी खुद हमको अंदर मिलने बुलाएंगे, देखना। चल बैठते थोड़ी देर। झूठ बोल के अंदर घुसते हो, ऊपर से दादागिरी करते हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ओए 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 ओए, ओए कोतवाल को उल्टा करके जोर डांटे। नहीं नहीं सोढ़ी, अरे कहावत अलग है भाई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे असं असत। ओए पिड़ू, मैं तेरा स्टूडेंट थोड़ी ना हूं। तू मेरी क्लास छड़, वो जिसने गलती की है उसकी क्लास ले। ओए खुद झूठा है और सानू झूठा कह रहा है। नहीं तो क्या, ऑफिस में ही हो और लोगों से झूठ बोलते हो कि मैं ऑफिस में नहीं हूं। ओए लोगों के पैसे चुकाने की बजाय लोगों को धक्के मार के बाहर निकालते हो, शर्म तो तुझे आनी चाहिए। अब तुम पकड़े गए हो, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है, तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है हमने। ओए ढोंगी लाल, वो तेरा पांडा फूट गया है, वो तेरी फ्लाई इसी में है। जैसे ही जेठा पर आते हैं चुपचाप उनके 50 लाख रुपए दे दो। चार आदमी मिलकर एक अकेले आदमी को डरा रहे हो? अरे गणित कच्चे करे तुझे, ये ठीक से देखो, 4 नहीं 5 है, 1 2 3 4 5। अरे जितने भी हो, अब तो मैं जेठालाल को 1 रुपया भी नहीं दूंगा। चाहे जो करना है कर लो। ओए पिड़ू, ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेगा। बाजी पकड़ा पाए। आजा शुरू करते हैं। सिक्योरिटी 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 सिक्योरिटी। चिल्ला, जितना चिल्लाना है चिल्ला, जितना तू चिल्लाएगा ना उतना तुझे रुलाएंगे। ओए जे तू खप पाई ना तो मैं तेरे टूटे टूटे कर देना, तेरा कचुंबर बना देना। मैं पुलिस को बोलूंगा। हाँ बुलाओ बुलाओ बुलाओ, पुलिस को बिंदास बुलाओ, हम भी वही करने वाले थे भाई, तुमको पुलिस के हवाले ही करने वाले थे, बुलाओ। ओ पिड़ू, वो पहले इनकी कुटाई तो करने दे। करा करा करा। बोल, जेठा पर आके 50 लाख देगा कि नहीं? अरे मैंने जेठालाल को बोला था कि मेरे पास 50 लाख रुपए नहीं है। तू ऐसे नहीं मानेगा। बहुत हो गया तेरे टोंगी फरेबी, बोल जेठा पर आके 50 लाख वापिस देगा कि नहीं? मैंने कहा ना मेरे पास 50 लाख रुपए नहीं है। 50 लाख वापिस देगा कि नहीं? मैंने कहा ना मेरे पास 50 लाख रुपए नहीं है। ये खोटे बोलते है। ठीक है, तू टेढ़ी उंगली का घी है, सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। ओए रंजीते, बलविंदर, सुखी, ओए भांगड़ा पाना शुरू करो। छोड़ो, एक सेकंड।
वहाँ जेठालाल है? हाँ सर है। उन्हें अंदर भेज दो। जी सर। शाबाश एनु कहने पते। आरु 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 आरु। सॉरी पीड़ू। जेठालाल जी अब जाइए। देखिए मैडम आज मैं भोगीलाल जी को मिले बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। सर उन्हीं का फोन था, उन्होंने आपको अंदर बुलाया। देखा है? हमारे सेठ जी ने कहा था ना कि तुम्हारे सेठ जी फोन करके मेरे सेठ जी को अंदर मिलने बुलाएंगे। बुलाया ना? बुलाया बुलाया, छोड़ ना भाई उसको, चल 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 चलो रमेश सुरेश बुलाया, छोड़ो जरा जगह दो जाने के लिए। भोगीलाल जेठालाल, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। मैंने भी सोचा नहीं था कि तुम भी मेरे साथ ऐसा करोगे। मैंने मैंने क्या किया? ओहो, देखो तो भोले लाल को, मैं बताता हूँ आपने क्या किया। आप मेरे सेठ जी के 50 लाख रुपए खा गए। ए, जबान संभाल के। ओहो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पागा, वो हो गया। क्या हो गया? वही उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मैंने अभी बोला। नहीं नहीं अभी मैं बोला। नहीं नहीं बागा, तुम दोनों आए ना, इससे पहले सोड़ी ने सेम कहावत बोली थी, हालांकि थोड़ी गलत बोली थी। मतलब उसने कहावत में कोतवाल को उल्टा किया था, तो मैंने बोला कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, फिर उसने सही बोली। लू बस कर बागा, तू कोई और कहावत बोल ले ना। और कहावत? झूठ बोले कौवा काटे। मैंने क्या झूठ बोला? आपने क्या झूठ बोला? मैं बताता हूँ आपने क्या झूठ बोला। ऑफिस में होने के बावजूद आपने बोला कि मैं ऑफिस में नहीं हूँ, ये झूठ बोला। पैसे होने के बावजूद आपने ये बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, ये झूठ बोला। और बोलूँ आपने कितने कितने झूठ बोले? अरे किसने बोला तुम्हें कि मेरे पास पैसे है? अच्छा मतलब तुम्हारे पास पैसा नहीं है? नहीं, मेरे पास सिवाय मायूसी के और कुछ नहीं है। जेठालाल मेरा यकीन करो, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, मेरे बेटे की कसम। कहाँ गया? फिर ये इतनी बड़ी ऑफिस, इतना सारा स्टाफ, 2 सिक्योरिटी गार्ड, इन सब का खर्चा कैसे निकालते हो? और बागा पूरी ऑफिस एसी है, तो सोचो इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आता होगा। तो और जेठालाल एसी चालू है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल टाइम टू टाइम भरता है। भरता हूं, भरना पड़ता है। और ये बिल मैं कैसे भरता हूं, ये मेरा दिल ही जानता है। अच्छा जेठालाल, तुम तो जानते हो धंधा चलाने के लिए चूटी शाना शौकत दिखानी पड़ती है। अगर दुकान में लाइट बंद हो तो कोई ग्राहक दुकान में पैर नहीं रखता। कहते हैं जहां अंधेरा हो वहां लक्ष्मी नहीं आती है। मेरे पास तो पहले से लक्ष्मी नहीं है, फिर भी मैं अपने स्टाफ को कैसे पगार देता हूँ ये मेरा मन जानता है। अगर पैसा नहीं है तो फिर ये सब खर्चा कहां से कर रहे हो? हाँ, फ्री में कुछ नहीं मिलता। ये सब खर्चे मैंने अपना घर और अपनी बीवी के गहने गिरवी रख के किए हैं। अपना मंदिर जैसा घर और अपनी लक्ष्मी रूपी बीवी के गहनों को गिरवी रखते समय मैं खून के आंसू रोया हूँ। आपको क्या बताऊं, मेरी बीवी भी मुझे छोड़कर चली गई। यहाँ तक कि पैसों के लिए मैंने अपने छोटे छोटे बच्चों की FD भी तुड़वा दी। उनका भविष्य भगवान भरोसे है और मेरा भी। दोस्तों भले और भोले लोगों का लक्षण ये होता है कि वो किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं, आसानी से किसी पर भी यकीन कर लेते हैं, उसके झांसे में आ जाते हैं, क्योंकि उनमें इंसानियत कहीं ना कहीं जिंदा होती है। और हम गोकुलधाम निवासियों को तो आप जानते हैं, हम कितने भले हैं कितने भोले हैं, इंसानियत हमें कूट कूट कर भरी। अब देखिए ना, भोगीलाल के ऑफिस में भोगीलाल ने अपना रोना रोया, अपना दुखड़ा सुनाया, कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है,
और हम गोकुलधाम निवासियों ने भरोसा करना प्रारंभ कर दिया। अभी भरोसा किया नहीं है लेकिन भरोसा करना प्रारंभ कर दिया है। यानी कि स्थिति ऐसे आने वाली है कि नेकी कर दरिया में डाल। और जेठालाल के लिए तो यही होगा, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास फोड़ा बाराना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ऐसा हुआ तो पैसे का इंतजाम कैसे होगा, क्योंकि यदि पैसे का इंतजाम नहीं हुआ तो रामसंग कंपनी को पेमेंट नहीं होगा, पेमेंट नहीं हुआ तो 100 टैब नहीं मिलेंगे, 100 टैब नहीं मिले तो अय्यर को कैसे दिए जाएंगे। यानी कि स्थिति बड़ी गंभीर है। लेकिन इस गंभीर स्थिति में आपको देखना है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, क्योंकि मिलेंगे सारे सवालों के जवाब। देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचते रहिए पैसे का इंतजाम कैसे होगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.